हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, अच्छे रहना। तो गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए और एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज हम लोग एक राइड पर निकल जा पा रहे हूँ। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग जाने वाले हूँ चूचूरा की तरफ, और आप लोगों के साथ एक राइड शेयर करना था, ये भी कर लिया। तो चलिए गाइस, तो गाइस आज हम लोग जाएंगे चूचूरा बोल के जगह है, वहाँ पर हमारी थोड़ा सा काम है, उसी रीज़न में हम लोग एक ब्लॉग बनाने वाले हूँ। तो अभी घर से निकल पा रहे हैं हम लोग, और बारिश आने वाली है। कितना बादल छाया है देख लीजिए आप लोग। और हम लोग आ चुके हैं हमारी नियरेस्ट स्टेशन, यहाँ से हम लोग जो फाटक है वो क्रॉस करेंगे और जाएंगे। अच्छा सा रास्ता मिलेगा इसके बाद, और लोग घूर घूर के देख रही है। यहाँ से ट्रेन जाती है हावड़ा की तरफ। भाई रास्ता की कंडीशन देख रहे हो आप लोग, मैं गांव में रहता हूँ इसीलिए इतना घटिया क्वालिटी के रोड मिलता है हमारे इधर, और हमारे इधर रोज बारिश हो रही है, उसी लिए तीन चार दिन लगातार बारिश होने से पूरा ये रास्ता डूब जाती है। देख लीजिए कितना गड्ढा है। थोड़ा टाइम जाने के बाद अच्छा रोड मिलेगा, तो उस टाइम आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा नज़ारा मिलता है हमारे इधर गांव में। तो गाइस फाइनली हम लोग एक अच्छा रोड मिला, उसके बाद और अच्छा मिल जाएगा। और बारिश गिरना स्टार्ट हो चुकी है, आज भीगना ही होगा। देखो देखो भाई देखो, बाप की रास्ता ये है। तो गाइस यहाँ से हम लोग राइड लेंगे, सो जा जाती है चूचूरा ये, और पीछे की तरफ जाएंगे तो 10 घर आ जाएगा। इसी रोड पे हम लोग और भी बार गया हूँ, आप लोग जानते ही होंगे। सामने आती है जो हमारी NH2 है हाईवे, वो मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग कलकत्ता जा सकते हो, बर्धवान जा सकते हो। ठीक है, वॉइस क्वालिटी कैसे आ रही है आप लोग को कमेंट करके बताओ। और एक डेडिकेटेड वीडियो है अच्छे माइक वाला, जो मोनो की माइक होती है वो माइक हम लोग लगाया हूँ। पहले मैं एक लोकल सा माइक यूज़ करता हूँ, उसी उतना अच्छा वॉइस क्वालिटी नहीं आती है, उसी लिए इसका कैसे क्वालिटी आप लोग कमेंट करके बता दो, नॉइस कैसे आ रही है। ठीक है, मेरे घर से वो चूचूरा पड़ता है 30 किलोमीटर, अभी तो जस्ट 5-6 किलोमीटर आ चुका हूँ इसके, और 25 किलोमीटर बाकी है। बारिश ना हो भाई, यही है NH2 सामने जो हाई रोड देख पा रहे हो, ब्रिज ऊपर से वो जाती है राइट साइड की कोलकाता डानकुनी आ जाएंगे। हम लोग जाएंगे सामने की तरफ, और सामने जाके हम लोग पेट्रोल डला लेंगे। सामने एक पेट्रोल पंप है हमारी एंटॉर्क में, पेट्रोल डालना होगा। पेट्रोल डलाना हो चुकी है हमारी, हम लोग अभी भगाएंगे गाड़ी को। भाई बारिश तो आएगी कन्फर्म, यहाँ पे बारिश नहीं हुआ है, 2 किलोमीटर पहले बारिश हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ। हम लोगों को रुकना है। तो गाइस हम लोग एक हारिड बोल के जगह है, वहाँ पे रुक गई है। देख कितना तेज से
तेजी से बारिश हो रही है भाई। भाई बारिश हो के रुक जा, बार बार बारिश नहीं आना चाहिए। तो गाइस हमारी पूरा काम कंप्लीट हो चुकी है चुचरा से। अभी हम लोग फेरी क्रॉस करके चुचरे की तरफ जाएंगे। हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, इसी फेरी से हम लोग उस साइड लेके जाएंगे। नज़ारा देखो भाई कितना अच्छा लुक आ रही है। तो गाइस अभी हम लोग चराएंगे हमारी एंटॉक को। तो गाइस लगा दिया। तो गाइस हम लोग इस पर आ चुके हैं, देख लीजिए नज़ारा। हम लोग इसको उठाएंगे। इसको बाइक चलाना आता नहीं है, क्यों बाइक लेके निकल पड़े हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं खदीना मोड़। यहाँ से हम लोग राइट लेंगे, थोड़ा सा कुछ चीज़ ख़रीदने का है। एक हैंड ग्लव्स राइडिंग और एक बलकनामा लेना है। यहाँ पे बहुत बाइकर्स की शॉप है, बाइक राइड रिलेटेड एक्सेसरीज मिलता है। और जो मैं मेरा सीट को कुशिंग कराया ये दुकान से अकलीमा, यहाँ से आप लोग आके करा सकते हो। तो टिफाई के दुकान से लिया हूँ ये हैंड ग्लव्स और ये जो बलकनामा होती है। आपका विजिटिंग कार्ड दिखाओ। अब लोग ये चंदन नगर में पड़ती है, अब लोग आके विजिट कर सकते हो। रिजनेबल प्राइस है यहाँ पे टाड़ामा ऑटो बोल के। बहुत सारा सामान है, अब लोग आके विजिट कर सकते हो। तो इस वो भाई के शॉप से राइडिंग जो क्लैप्स होती है ये लिया हूँ, 650 रुपीस लिया मेरे से। बहुत अच्छा क्वालिटी का है। यहाँ पे वेंटिलेशन दिया गया है और एक बलकनामा लिया, आप लोगों को दिखाऊंगा पहन के। और अभी घर जा रहा हूँ। ये जो मोबाइल होल्डर है, इंस्टॉलेशन वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके आई बटन में देख सकते हो। ये अच्छा क्वालिटी का और फास्ट चार्जर वाला मोबाइल होल्डर है। आप लोगों का एंटॉर्क के ऊपर लगा सकते हो। इसका प्राइस पड़ा मेरे को 470 रुपीस ऐसा ही। तो गाइस ऑफ रोडिंग करना है तो हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर आ जाओ, सिंगूर के अंदर। यहाँ पे बहुत ऑफ रोडिंग का रास्ता मिल जाएगा। देख लीजिए भाई कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है और उसके अंदर पानी जमा हुआ हुआ है। ओ, बारिश के टाइम बहुत अच्छा यहाँ पे ऑफ रोडिंग होती है।